गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आज से हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखा गया है। क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके तहत 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन कराएंगे और 5 क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं से हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर 1/2 का 1/2, यानी पूछ रहा है 1/2 का 1/2 बराबर क्या होगा। यहाँ पर समझेंगे का बात क्या होता है, मल्टीपल होता है यानी गुना होता है। ठीक है, तो इसमें हल करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 का बात क्या होता है, गुना होता है। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आएगा, 1/4। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका रहा कितना है 1/4। सेकंड कह रहा है 2/5 का 1/4। सेकंड लिखा है 2/5 का 1/4। ठीक है, का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, आपको मालूम है। लिखेगा 2/5 इंटू 1/4। अब यहाँ देखेंगे कि अंश बटा हर या अंश बटा हर में कोई गुना कटने वाला है कि नहीं। यदि कटने वाला है तो पहले से कटाएंगे, उसके बाद से गुना करेंगे। क्या देखेंगे कि 2 से 4 कटने वाला है, इसे पहले कटा देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या बच गया, तो अंश बच गया 1 × 1, यानी 1 एकम 1 और 5 दूनी 10, यानी 1/10 इसका जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसे आप उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम 3 क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, 1, 2 आप समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है 9 × 7/2 लिखेंगे इक्वल टू, अभी सिंपल क्वेश्चन है 9 × 7/2। अब देखें कि 2 से कोई पद कटने वाला है कि नहीं, जो अंश में गुणा में लिखा गया है, तो हम पाएंगे कि 2 से न तो 9 नहीं कटेगा और न ही 7 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे और अंश बटा कर इसे लिख देंगे। 9 7 63 63/2 ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें को लिखा है 9 में 5 × 1/4 × 2/5। तो यहाँ थोड़ा समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन को पहले पूर्णांक हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वाला क्रिया है, गुणा हो या जोड़ हो या भाग हो या घटा हो, वो क्रिया हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, जो पूर्णांक है उसको तोड़ेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 5 × 1/4 × 2/5 = पहला काम क्या होगा, पूर्णांक को तोड़ेंगे, यानी 5 × 4 लिखेंगे 5 × 1/4 × 2/5 = अब इसको तोड़ेंगे 4 × 5 = 20, 20 से 1 = 21, यानी
इक्कीस बटा चार गुने दो बटा पांच। समझेंगे इसको गौर से। पहला काम क्या किया गया, तो यहाँ तोड़ा गया पूर्णांक को, चार पच्चीस बीस, बीस एक, इक्कीस बटा चार गुने दो बटा पांच। अब यहाँ देखेंगे कि दो से चार कटने वाला है, जो कटाएंगे उसके बाद गुना करेंगे, कटाएंगे दो एकम दो, दो दुगुनी चार, अंत में क्या बचेगा जी, इक्कीस गुने एक यानी इक्कीस एकम इक्कीस, हर में क्या है दो पच्चे दस यानी इक्कीस बटा दस, जो होगा इसका सही आंसर होगा। चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं पूर्णांक में भी, दो पूर्णांक ऊपर दो से इसका आंसर होगा दस दो बीस एक इक्कीस बटा दस, इसको ऐसे लिख सकते हैं दो पूर्णांक एक बटा दस, दस दो बीस एक इक्कीस बटा दस, ये भी आपका आंसर ऐसे भी कहीं कहीं दिया हुआ मिलता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर वन टू एट और नाइन। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन इसमें दे रखा है सेवन बाई नाइन इंटू सिक्स पूर्णांक टू बाई फाइव, ठीक है, क्या दे रखा है सेवन बाई नाइन इंटू सिक्स पूर्णांक टू बाई फाइव, इसको हल करेंगे, लिखेंगे सेवन बाई नाइन इंटू सिक्स पूर्णांक टू बाई फाइव इक्वल टू, यहाँ लक्ष्य क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो वाला क्रिया होगा उसे करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे पहले सेवन बाई नाइन इक्वल टू क्या लगे पाँच छत्तीस तीस दो बत्तीस, बत्तीस बटा पाँच, ठीक है। अब यहाँ देख लेंगे कोई पद कटने वाला है कि नहीं, अंश बटा हर में, तो ये सेवन बाई नाइन है और ट्वेंटी टू बाई फाइव है, तो यहाँ देखेंगे कोई पद कटने वाला नहीं है, तो इसे गुना कर देंगे, गुना करेंगे सात दुगुनी चौदह एक आशी सात तरीका इक्कीस इक्कीस एक बाईस कितना गई दो सौ चौबीस बाई दे देंगे नौ पचे पैतालीस, तो ये रहा आपका दो सौ चौबीस बटा पैतालीस, या इसी पूर्णांक को लिखना चाहते हैं तो आप भाग देंगे दो सौ चौबीस में पैतालीस से, जैसा आपको बता रहे हैं भाग करके यहाँ दो सौ चौबीस में भाग देंगे पैतालीस से, तो आप छुपे जाएंगे जैसे चार वक्त में चार पच्चीस बीस दो चार चौदह सोलह और दो अठारह, यहाँ पर आ जाएगा सर एक सौ अस्सी घटाएंगे तो चार जीरो चार बारह आठ चार और एक से एक आपका आ जाएगा फ्रेंड से, यानी आपका भागने वाला है चार से सारा चौवालीस और भाग्य कितना है पैतालीस। तो इसे कैसे हम लिखते हैं बताया था हम पिछले वीडियो में, इसको लिखने का तरीका है भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, ठीक है, भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, तो ये आपका भागफल है, ठीक है, ये आपका भागफल है, ये आपका शेष है और ये क्या है ये आपका भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो क्या है कि भाजक है, यानी 45 आपका भाजक है, 4 आपका भागफल है और 44 आपका क्या है शेषफल है यानी शेष है। तो ऐसे तो भाग दे दिया है, ये भी आप जान चुके हैं किसे भागफल किसे भागफल किसे शेष कहेंगे। अब बात रहा है इसको सजाने का पूर्णांक में, तो इसको सजाने का क्रम क्या होता है भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, ठीक है, कैसे इसको सजाते हैं तो भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, इतना आप समझ चुके हैं। इसको कैसे लिखते हैं जी, इसको लिखते हैं भागफल पूर्णांक, भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, शेष बटा भाजक, तो यानी कि कितना भागफल है जी फोर है, फोर पूर्णांक कितना शेष है जी फोर्टी फोर है और कितना भाजक है जी फोर्टी फाइव,
ठीक है। तो इस प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर 224/45 ही सत्य है। और यदि आपसे पूछता है पूर्णांक में तो उसके लिए आपका आंसर आ जाएगा 4 पूर्णांक 44/45, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए दोनों आपका आंसर सत्य है, ये भी और ये भी, तो ये आपका हो गया पूर्णांक में और ये आपका हो गया सिंपल भी में। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ चुके होंगे। जो शेष क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, जो 5 क्वेश्चन बचा है शेष, इसे आप लोग स्वयं से हल करेंगे। जो सांख्य क्वेश्चन है पहले हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे पूर्णांक को, फिर हम लोग गुणा करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ किया है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, दोनों दिया गया पूर्णांक में, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे उसके बाद उसको गुणा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।